यासीन मलिक समेत तमाम आजादी पसंदों को, तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। हम आज के इस इज्तिमा से ये मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के ऊपर 80 रुपए की तजारत कर रहे हैं, जबकि हमारे बॉर्डर के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, इधर भी कश्मीरी बनता है, और हमारे सुन के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज पड़ रही है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज को बैठकों साम्राज्य अपने हिस्सा बेच रहा है। इसलिए आज के इस इज्तिमा से हम ये भी मुतालबा करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को डीमिलिटराइज करके फौजी निकाल ली जाए, और वो बजट जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो बजट जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अरबों डॉलर खर्च करे वो अपनी कुल की गुर्बत जालत अफनास और दहशतगर्दी पे खर्च करे। और हम ये भी कहते हैं, मैं स्विट्जरलैंड गया हूं, स्विट्जरलैंड इटली फ्रांस और जर्मनी जैसी आर्मी ताकतों के दरमियान में है, लाखों जंगी हुई कुरान सब कत्ल हुए। एक नजम कही थी, वो नजम आपकी नजर करते हुए आपकी जान छोड़ूंगा, और आप यकीनन खुश होंगे, और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है कि कब यारों को तस्लीम नहीं कब कोई उदो इनकारी है, कब यारों को तस्लीम नहीं कब कोई उदो इनकारी है। इस पूरे तलब में हमने भी दिल नजर किया जाओ वाली है, जब साजे सरासर बढ़ते थे हम अपने लोगों में सकते थे, ये रस्म अभी तक बाकी है, ये रीत अभी तक जारी है, जख्मों से बदन गुलजार से पर उनके शिकस्ता तेल गिरो, खुद तर्कश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है, कुछ अहले सुतम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया कि पत्थर जरा भारी है, जब पर्चे में जाने के निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तक जन्नत हबत तारी है, हम बहुत से अलग है सही मगर अहले हबत से क्यों भूल गए, खाक वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। 30,000 बच्चों का कातल कौन है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं, 15,00,000 बच्चों का कातल कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, और फिर ये भी देखे के मासूम जो सिपाही मरते हैं उनका वो भी तो किसी के बच्चे हैं, और उसके बदले में जनरल बाजवा क्या नहीं हो राष्ट्र बाजवा 120 मुल्कों में वीजे कहां से आते हैं, ये डीएचए कहां से बनते हैं, ये बैरियर कहां से बनते हैं, कि हमें सियासत को हमें बादशाह को समझना पड़ेगा, हमें तारीखी तराजम को बना के जाना पड़ेगा। आज कहते हैं कि गरीबों के बच्चे सियासत न करें, सियासत क्या वो इनका अमीरों का खेल बन चुका है, अरे बाबा गरीबों के बच्चे की सियासत जरूरत है, सियासत तो वो इल्म है जिसके अंदर नफ्सियात है, सियासत तो वो इल्म है जिसके अंदर माशियत है, सियासत तो वो इल्म है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सियासत तो वो इल्म है जिसके अंदर जो है आज बायो टेक्नोलॉजी है। तो जब एक गरीब के बच्चे को यह पता नहीं होगा कि गुर्बत क्या चीज है,